लोग अगर घर में अपना पूजा करना चाहते हैं तो कलश शासन के साथ रोजी मीटिंग चल रही थी, अब खत्म। झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण 2 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य तरीके से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार शहर में सभी पूजा समिति जोर शोर से पूजा की तैयारी में लगे हैं। राजधानी में जगह जगह पर भव्य और आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है और इन्हें अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रांची में इस साल 100 से ज्यादा पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से आए कारीगर पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। रात दिन पूजा पंडाल निर्माण में लगे कारीगरों ने दुर्गा पूजा की चतुर्थी तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यहां हम चर्चा कर रहे हैं शहर के खास पूजा पंडालों की, जो दर्शनार्थियों के बीच आकर्षण के केंद्र होंगे। बकरी बाजार की भीड़ तो कोरोना के बाद क्या कोरोना के पहले भी लगती थी, और इस साल तो डबल भीड़ होगी। व्यवस्था तो भाई जो जगह है उसी में व्यवस्था देंगे, कोई अलग से जगह तो बनाया नहीं जा सकता। फिर भी हमारे यहाँ जगह जितना है जितना हो सकेगा दर्शनार्थी को व्यवस्था दे रहे हैं। दूसरा, हम पंडाल उसको 7 दिन दर्शन का मौका दे रहे हैं। वो भीड़ से बचना चाहे चतुर्थी पंचमी षष्ठी को आके दर्शन करें। ये पंडाल मेरा चतुर्थी को हम खोल दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन देता है, बाकी हमारे प्राइवेट गार्ड है। प्रशासन के साथ रोजी मीटिंग चल रही थी, अब खत्म। वो लोग अपना कर रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से हम लोग के साथ है। दर्शकों को यही कहना चाहते हैं, भीड़ से बचना है तो आप अष्टमी नवमी को कब निकलें, बाकी दिन दर्शन करेंगे तो आपको अच्छा से दर्शन होगा। अष्टमी नवमी की भीड़ में धक्का मुक्की परिवार के साथ आते हैं, छोटे बच्चों के साथ आते हैं, उनको पहले दर्शन करा दें। ऐसा है भैया कि देखिए, इससे बड़ा मैदान तो कहीं रांची में है नहीं किसी के पास, दुर्गा पूजा वालों के पास। और यहाँ 64 साल से पूजा हो रही है, हमारे यहाँ मेला है, खान पान है, सब कुछ संस्था द्वारा संचालित है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। आप एक कैंपस में आके सब साधन मिल जाता है, यहाँ लोग आने वाले 2-2.5 घंटा तक खा पी के घूम फिर के दर्शन करके झूला झूला झूल के चले जाए। इस बार अंदाजा यही है 15 लाख से कम नहीं। अशोक चौधरी, अध्यक्ष भारतीय युवक संघ बकरी बाजार। का पहला दिन नवरात्रि का है, समझ गए, इसको शरद नवरात्रि बोलते हैं, आश्विन जो होता है। तो शरद नवरात्रि का आज पहला दिन है, प्रथम शैलपुत्री माता का पूजन हुआ है और कलश स्थापना हुआ, गणपति गौरी का स्थापना हुआ, नवग्रह वेदी का स्थापना हुआ, वरुण देवता का स्थापना हुआ और उसके बाद सरस्वती मातृका देवी का स्थापना हुआ। इसके बाद प्रथम शैलपुत्री माता का पूजन किया गया और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया, आरती पुष्पांजलि हुआ आज का दिन। लोग अगर घर में अपना पूजा करना चाहते हैं तो कलश स्थापना कर करके माता का एक फोटो लगा करके और ज्वार लगा करके माता का अपने घर में पूजन करें, इससे सभी प्रकार के कल्याण होता है, सभी प्रकार की बाधा का निवारण होता है, कष्ट का निवारण होता है सभी प्रकार का। और जो भी जिस कामना से लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ पूजा करते हैं उसका माता रानी अवश्य ही कामना पूर्ण करती है। नहीं, इस बार समय की कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, इस बार पूर्ण सुबह से लेकर के शाम तक आपको कलश स्थापना का मुहूर्त अच्छा है। ये चैती दुर्गा मंदिर भूथा तालाब के नाम से जाना जाता है। ये चैती दुर्गा मंदिर का जो पंडाल स्थापित हुआ था 1926 से यहाँ पूजन हो रहा है माता का यहाँ पे, और पंडाल 1926 से बनते आ रहा है। और ये यहाँ पे चैती पूजा बहुत भव्य तरीका से मनाया जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम, मंदिर का भी नाम चैती दुर्गा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा, चैती दुर्गा मंदिर, रांची अपर बाजार भूथा तालाब। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।